हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में ब्लॉगिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग की जॉब आप करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह से करेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉगिंग में और कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए फ़ायदेमंद देगी और आप अपने करेक्टर सर्टिफिकेट को ऑटोमेटिक खुद ही अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए आखिर तक। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल बटन है उसको दबा दें, साइड में घंटे वाला बटन है उस पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको इस साइट के अंदर जाना है, cctnsup.gov.in। ये यूपी सरकार के लिए है, ये यूपी में रह रहे हैं उनके लिए है। तो ये इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा होगा आपको क्रिएट सिटीजन लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आ जाएगा। तो वहाँ पे जाकर आप अपना नाम, पता, एड्रेस सब कुछ फिल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक ये पॉपअप खुलकर आ चुका है। अगर आपका पॉपअप नहीं खुला हुआ है तो फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाकर यहाँ से पॉपअप को ऑन कर लेना है। इस पर ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा यहाँ पर वीडियो सर्च करके देख सकते हैं पॉपअप किस तरह से ऑन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बना हुआ है ऑल ब्राउज़र के लिए का पॉपअप कैसे ऑन करते हैं, तो आप ये वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये पॉपअप खुलकर आ चुका है। यहाँ पर आपको नाम भर देना है, यहाँ पर मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर जो भी है आपका, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अगर आप किसी क्लाइंट का बना रहे हैं, कस्टमर का बना रहे हैं, तो यहाँ पर कस्टमर का ही दर्ज करें, फिर आप उसकी आईडी से या अपनी आईडी से कितने ही प्रमाण पत्र डाल सकते हैं। तो इस ये हमारा काम यहाँ पर हो गया, तो आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई ओटीपी भी नहीं आएगा और आपका काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसको लॉगिन करना है आपको। यहाँ पर इसको अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालकर इसको ऑन कर लेना है। ये CQ भरकर, कैप्चा भरकर आपको ऑन कर लेना है। और फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये पूरा फिल कर लेना है, यहाँ पर पता, शपथ पत्र। तो हम यहाँ से इसको फटाफट से फिल करते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, और आप बड़ी ही आसानी से इसको फिल कर सकते हैं घर बैठे हुए। देखिए, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पर नाम जिसका आप भर रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो संबंध है पिता का संबंध है तो यहाँ पिता का नाम डाल देना है। यहाँ पर जो आईडी आप दे रहे हैं वो आईडी डाल देनी है, आधार कार्ड संख्या हम यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर JPG, अब हमें यहाँ पर तस्वीर अपलोड करनी है, JPG की डॉक्यूमेंट्स, PDF जिसमें चाहे आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी फाइल रहेगी फ़ोटो वो आपकी JPG में रहेगी। तो हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, जो कि आपका 28 से 30 KB के बीच आपका ये रहेगा, आपकी जो तस्वीर है वो इमेज रहेगी। ये देखिए, मेरी इमेज जो है यहाँ पर 21 KB की है, और आपको सारा का सारा यहाँ पर जितनी भी क्रॉप है वो आपको सही तरीके से कर लेनी है, और यहाँ पर अपलोड कर देना है। यानी कि जितनी भी आपकी साइड की कटिंग है, आपको इमेज बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है। ये देखिए, मेरे यहाँ पर इमेज अपलोड हो चुकी है, मैं इसे यहाँ पर बंद करता हूँ। अब इसी तरह से हम यहाँ पर जो है फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर दस्तावेज अपलोड कर देंगे। यहाँ पर
पर भी हम सेम दस्तावेज करेंगे और फाइल का आकार जैसे कि हमारा पहचान प्रमाण पत्र है यहाँ पर हम आधार कार्ड लगाएंगे। पहचान की जगह यहाँ पर हम ये देखिए हमारा आधार जो है बिल्कुल चारों तरफ से एकदम क्लियर है, कहीं भी जगह छोटी भी नहीं है और यहाँ पर आधार लिख देंगे और इसको यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। आपको बिल्कुल फ्रेश रखना है एकदम। ये देखिए मेरा यहाँ पर आधार भी हो चुका है अपलोड और इसे हम बंद कर देते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, यहाँ पर ऑटो हमारा ले लेगा जन्म का वर्ष आयु। ये देखिए हमारे यहाँ पर इन्हें सब ले लिया। इस तरह से आप इसको सारा फिल कर दें। सामान्य में करना है, ठेकेदार में नहीं, ये ठेकेदारों वालों के लिए है, जो ठेकेदार है ठेका लेते हैं किसी चीज़ का। इसी तरह से यहाँ पर अपना एड्रेस आपको फुलफिल कर देना है। यहाँ पर मैं इसे फट से फुलफिल कर देता हूँ और इसे यहाँ पर यस करके हम जमा कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से फट से जल्द से पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसे फुलफिल कर दिया है और अब आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है तो हमारा ये ऊपर का एड्रेस सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। आप सेम इसको ऐसे ही भरना है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं होगा और जब वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए हमारा यहाँ पर ये ऑटो आ चुका है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। इसका चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और हमारी यहाँ पर फीस जमा हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारा सारा सिस्टम आ चुका है और अब आपको इसको पेमेंट करना है। 50 रुपये हमारी पेमेंट हो जाएगी यहाँ पर और आगे बढ़ना है। इसी तरह से आप बड़ी ही आसानी तरीके से अपनी यहाँ पर फीस जमा कर देंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जो स्लिप हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर अपना एड्रेस भर देता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ। अपना नाम और पासवर्ड। ये देखिए हमारा यहाँ पर अमाउंट का पेज खुल चुका है। अब हम यहाँ पर कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप इसको यहाँ पर जमा कर सकते हैं फीस बहुत इजी तरीके से। ये देखिए हमारी यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना है, 30 सेकंड तक ये ऑटो अपना आप जनरेट होकर वापस पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप बड़ी आसानी तसल्ली बख्श वीडियो को देखें और अपना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए रूल को जैसे मैंने फॉर्म को फिल किया है इस तरह से भरें। कन्फ्यूज़ मत होएं क्योंकि जैसे ही आप कन्फ्यूज़ होएंगे तो आपका फॉर्म ख़राब हो जाएगा और फिर आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आराम से वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, इसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान हैं या पहली बार इस शक्ल को देख रहे हैं भाई की अपने, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए यहाँ पर सेशन मेरा एक्सपायर हो चुका है तो थोड़ा सा अब हमारा वहाँ पर हम भुगतान की स्थिति में जाएंगे। ये भी बहुत मोस्ट स्टेप है, ये भी आपको जान लेना चाहिए कि ये किस तरह से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके सामने ही होना था और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना आप कन्फ्यूज होते कि अब क्या होगा। तो अब हम यहाँ पर भुगतान विवरण में जाएंगे, भुगतान की स्थिति देखेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि साइट बहुत धीमी चल रही है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा हुआ कि ये इस तरह से हो गया, आपको इससे भी फायदा मिल जाएगा। यहाँ पर क्या दिक्कत आई है, क्या परेशानी आई है, तो देखिए हमारा यहाँ पर इसकी जो है प्रस्तुत तिथि ये है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर भुगतान सही तरीके से हो चुका है। आपको यहाँ पर जाना है और खोज स्थिति पर क्लिक करना है, भुगतान स्थिति पर,
और यहाँ पर आपका विवरण आपके सामने दिख जाएगा। ये देखें, यहाँ पर हमारा नाम पता सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जो हमने आवेदन प्रस्तुत किया है यानी हमारी फीस जमा हो चुकी है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप आसानी से भुगतान कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हमारा कोई भुगतान यहाँ पर फेल होता तो यहाँ पर हमारी दिख जाती भुगतान की स्थिति और सेवा अनुरोध संख्या, चालान संख्या, सब कुछ, लेकिन हमारा कोई भी भुगतान फेल नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी स्थिति दिख जाएगी। अगर आपका भुगतान असफल हुआ तो यहाँ पर आपको स्थिति दिख जाएगी, तो टेंशन लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, और बड़ी सावधानी से फॉर्म को फिल करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और आगे जरूर उसको शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स, बाय।